नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित कालीचरण खंडेलवाल की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गुल्लक में रखी करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चुराकर चोर मौके से फरार हो गए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। रोजाना हम 9:30 बजे करीब दुकान मंगल करके गए थे। सवेरे हमारे पास में करीब 9 बजे के आसपास हमारे सामने कुरियर वाले हैं, उनका फ़ोन आता है कि आपका शटर थोड़ा ऊंचा है तो क्या कोई आदमी ने खोला है क्या। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई आदमी नहीं आया, हम रात को ताले लगा कर आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा आप इमीडिएटली आ जाओ। तो हम इमीडिएटली घर से भाग कर आए, देखा तो शटर ऊँचा था। ऊँचा तो शटर खोल करके फिर हमने सारी जगह चेक करी तो दुकान का कोई माल पार नहीं हुआ, लेकिन कैश रखा हुआ 1,10,000 रुपया तकरीबन था, वो रुपया यहाँ से पार हो गया। और उसका सीसीटीवी फुटेज, उनका अंदर घुसने का, बाहर का, सारा हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। हमारा कोतवाली थाना लगता है, हमने कोतवाली थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ से वहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आकर के चेक भी कर गए हैं, देख गए हैं। आगे की उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें तीन आदमी, एक औरत है, एक आदमी है और एक बच्चा है। बच्चे को अंदर घुसेड़ा गया है और वो शटर पूरा नहीं खोल करके आधे में बच्चे को अंदर घुसेड़ के और उसमें से कैश निकाला गया है। कैश के अलावा कोई चीज़ नहीं छेड़ी गई है, खाली कैश को निकाला गया है। इस प्रकार को कैश को लेकर के वो चले गए हैं। शिकायत हमने दर्ज करा दी है, पुलिस से वहाँ से आ भी गए हैं, यहाँ पर चेक भी कर गए हैं और सारा उन्होंने कहा हम आगे की कार्रवाई। और ये जो हमारे फुटेज में आ रहा है वो 5:31 से 36 मिनट के बीच की ये घटना है, सवेरे पहले की घटना है ये। कालीचरण दास खंडेलवाल, प्रोपराइटर दौलतराम शिवचरणदास खंडेल। राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 301 MOU का आदान प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस इन्वेस्टर्स मीट का उद्देश्य राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देना और विकास की गति को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि अजमेर जिले में बड़े निवेश की संभावनाएं अस्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं और कई उद्यमियों ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जी, आज हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट की राइजिंग राजस्थान प्री समिट का आयोजन हुआ है और 301 MOUs एक्सचेंज भी हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि अब लोगों में बहुत उत्साह है, इंडस्ट्री में बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा निवेश अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी आने की अब दिख रही है, संभावना भी है, लोगों ने MOUs भी साइन कर दिए, तो आगे आने वाले समय में इससे बहुत रोज़गार की भी संभावनाएँ बढ़ेंगी। मुझे लगता है इससे 15,000 नौकरियाँ तो पक्की हैं, इससे भी ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलेंगे हमारे युवाओं को। बहुत अच्छी बात है, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने तब से लेके अभी तक बहुत मेहनत कर रहे हैं और विशेषकर कैसे हम लोग राजस्थान को एक इंडस्ट्रियल हब बना सकते हैं उस पर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने MOUs भी साइन किए लेकिन धरातल पर वो नहीं उतार पाए। एक तो क्या है कि उन्होंने, हम लोगों ने इसीलिए पहले ही वर्ष में ये काम किया ताकि ये सब काम नज़र आए और ये जल्द से जल्द धरातल पे ये सब काम उतरे। उसके लिए प्रशासन को भी कहा गया है कि आप इसको जल्दी करें, किसी भी चीज़ को बिना किसी प्रॉपर लीगल वजह किसी भी काम को रोके नहीं। और जो भी है, मुझे लगता है हर चीज़ का वे आउट निकल सकता है और इंडस्ट्री को साथ में ही लेकर हम लोग चलें ताकि राजस्थान एक आर्थिक रूप से भी मजबूत प्रदेश बने। सस्टेनेबिलिटी पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है। इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं, हमारी सरकार भी ध्यान देगी कि जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी उनको ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। अजमेर के लोहागढ़ तालाब पर बिहार समाज के लोगों ने छठ पूजा का महापर्व श्रद्धा और धूमधाम से मनाया। इस 3 दिवसीय महापर्व में भगवान सूर्य की पूजा और आराधना की जाती है, जिसमें परिवार की खुशहाली और सुहाग की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस अवसर पर महिलाओं ने
में पूजा अर्चना करते हुए बताया कि यह पर्व हमारे परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए विशेष महत्व रखता है। समाज के पुरुषों ने इस आयोजन को समाज के लोगों के लिए पहली बार विशेष रूप से आयोजित किया। ये बिहार वासियों के लिए फेमस है। ये छठी मैया का व्रत ये बिहार में ही रखा जाता है, बिहार लोग की आस्था है। और फिर बिहार में सभी 3 दिन का व्रत रखते हैं, जो निर्जला रखती हैं माता एवं बहना ये व्रत रखती हैं, जिनका है कि एकदम पूर्वजों से मतलब करते ही आ रहे हैं, बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं इस व्रत को। इसमें है कि सूर्योदय का भी पूजा करते हैं, सूर्यास्त का भी पूजा करते हैं। मैंने पानी के अंदर वो छठ माँ से अर्घ देते हैं, सबसे मैंने इसका है कि अर्घ देना है। लोहागल तालाब है, वहाँ पे आयोजन हुआ है। ये हम लोग इस बार पहली बार कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे से भी अब कोशिश यही है कि अब यहीं करेंगे। हम जितने हमारे समाज के हैं, बिहार वाले, यूपी जो भी हैं, छठ पूजा हम लोगों की जो है वो बहुत बड़ी पर्व है, और कोशिश है कि अब बहुत अच्छी तरह मनाएं। ये देवी मतलब मैन जो है इनका पुत्र के लिए करते हैं, घर में सुख शांति हो इसके लिए सब औरतें जो है वो अखंड व्रत रखती है। 4 दिन का ये पर्व होता है, नहाए खाए खरना, उसके बाद 36 घंटे का जो है वो निजला व्रत है, सुबह अर्घ दे करके फिर व्रत खुलेगी। हम इनको बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, और छठ पूजा 3 दिन का व्रत उपवास रखती है, और गंगा जमुना नदी पोखर तालाब के तट पे जाके सूर्य देवता को अर्घ दे के इस त्यौहार को मनाया जाता है। प्राचीन मान्यता भी है, इसके साथ कहा जाता है कि वनवास के समय सीता माता ने भी मुंगेर, बिहार में मुंगेर जिला पड़ता है, उनके तट पे मनाया था छठ पूजा का व्रत, जिनके चरण चिन्ह आज भी उपस्थित हैं। और महाभारत में कर्ण ने भी मनाया था, जो उस समय के बहुत अच्छे योद्धा थे। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। छठ पूजा को ऐसे भी घर के बने पकवान, फल फ्रूट इत्यादि के साथ ऐसी पोखर पे डूबते सूरज को, उगते सूरज को अर्घ दे के मनाते हैं। और यही है, छठ माता सबको सुखी रखे, हम यही कामना से छठ पूजा करते हैं। 3 दिन रखते हैं, 3 दिन का निर्जला व्रत होता है, और उसके बाद घर में पूरी तैयारी के साथ फिर पोखर के घाट पे आके शाम को डूबते सूरज को, सुबह उगते सूरज को अर्घ दे के सूरज भगवान से कामना करते हैं। छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, सूर्य देवता की बहन है, और कार्तिकेय जी की पत्नी थी। और इस हिसाब से हम भी बिहारवासी बहुत अच्छी तरह इन्हें पूजते हैं, बहुत दिन से हम मानते आए हैं। हमारा साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार ही यही होता है। हमारे वार्ड क्षेत्र पंचशील के बड़ा हर्ष का विषय है कि छठ पूजा समिति द्वारा आज जो छठ पूजा यूपी, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के अंदर बड़े उत्साह से मनाई जाती है, और उन राज्यों के लिए और वहाँ के निवासियों के लिए सबसे बड़ा, साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है, वो आज हमारे यहाँ पर पंचशील के अंदर लोहागल तालाब के अंदर इस समिति के सदस्यों द्वारा क्रियान्वित कराया जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर छठ पूजा को मानने, आस्था रखने वाले छठ माता की पूजा करने अभी शाम को अर्घ देने आए हैं। सुबह भी सूरज के उगने से पहले अर्घ दे करके इस त्यौहार को मनाएंगे। निश्चित रूप से एक, चूँकि हम लोग राजस्थान के हैं, यहाँ पर एक अलग तरह का कल्चर, एक अलग तरह की सामाजिक समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी जाति का है, किसी पाति का है, एक रीजन बेस्ड फेस्टिवल है। सारे के सारे हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए, जिनको आस्था है। मुझे ऐसा बताया है कि 38 से 40 घंटे तक लोग जो है पानी भी मुँह पे नहीं लगाते हैं, मतलब आप इससे समझ सकते हैं कितनी आस्था इस त्यौहार के प्रति इन लोगों। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को पुष्कर मेला क्षेत्र का दौरा कर पशुपालन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से पशु व पशुपालकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुरुवार की शाम मंत्री कुमावत ने मेला क्षेत्र का दौरा करते हुए रेतीले धूरों में पैदल चलकर अश्व ऊंट पालकों से बातचीत की तथा उनकी समस्याएं सुनी। पशु मेले में विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, और निश्चित रूप से मेले में जो पशु है, चाहे वो घोड़े हो, चाहे वो ऊँट हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी पशु लेकर आएंगे, उन पशुपालकों को पूरी सुविधा मिले, और उनके पशुपालकों के यहाँ पर मेले में किसी तरह की तकलीफ न हो, इस दिशा में प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर रखी है। सर देवस्थान से ले हो आप, सीट खाली है यहाँ पे मंत महाराज को लेकर, क्या कहना चाहिए? पुष्कर में वैसे धार्मिक आस्था का केंद्र है, और पुष्कर में तो देश ही नहीं, प्रदेश भर और पूरे देश भर के लोग आते हैं, यात्री आते हैं,
और पुष्कर स्नान का भी यहाँ बहुत ही महत्व है और निश्चित रूप से यहाँ आने वाले हर यात्रियों को सुविधा मिले इस दिशा में भी प्रशासन पूरा सजग है, सतर्क है। और कार्तिक मास में तो सबसे ज़्यादा, दीपावली के बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा यात्री आते हैं, तो उनको सारी सुविधाएं मिले, उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, इस दिशा में हमारा विभाग भी सतर्क है और प्रशासन भी पूरा सतर्क है। राजपूत समाज के जयमलकोट में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत ने पहुंचकर सर्व समाज के लोगों को 5 दिसंबर को आयोजित स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी के प्रथम पुण्यतिथि और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री योगेंद्र सिंह कटार ने कहा कि गांव गोगा मेडी में 5 दिसंबर को अमर शहीद स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी की स्मृति में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। अभी 5 दिसंबर को हम एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं गोगा मेडी में, सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी की, ताकि सभी लोग जो पहले आशीर्वाद लेते थे सुखदेव सिंह गोगा मेडी के दिशा निर्देशानुसार चलते थे, हम ये चाह रहे हैं कि आज भी सुखदेव सिंह गोगा मेडी सबके बीच रहे और सबको आशीर्वाद मिले। क्या क्या आगे कार्यक्रम होने वहाँ, किसी तरीके होंगे? वहाँ का मुख्य कार्यक्रम तो एक मूर्ति लगाना ही है और सर्व समाज के भाइयों को और बहनों को मैं इनवाइट कर रही हूँ, आपके थ्रू भी कह रही हूँ कि ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारें, आपका स्वागत है। 5 दिसंबर को कोई न भूले, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। एक सवाल ये भी है कि करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर 1 करोड़ के इनाम का घोषणा करी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, वैसे तो वो उनकी करणी सेना अलग है और हमारी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, और देखिए हर इंसान की इच्छा होती है, हर इंसान का अपना विचार होता है, वो कोई भी मानो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लिए कोई इच्छा प्रकट करते हैं कि ये होने से उनको न्याय मिल सकता है, तो वो उनकी इच्छा है, हमारा इससे उनके बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से उन्होंने बयान दिया है, वो उनके हिसाब से है। वो कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है इसमें, हत्या में, इस पर क्या? नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि NIA की जो जांच चल रही है सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड में, उसमें अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कहीं भी नाम नहीं आया है। उसमें रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड का नाम मुख्य है, जो कनाडा में अभी भी बैठे हुए हैं, और जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाएगा उस दिन करणी सेना पहले भी पीछे नहीं थी, आगे भी पीछे नहीं रहेगी, उनके पीछे हम पड़ जाएंगे वापसी। मेरा नाम शीला शेखावत, गोगा मेडी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यकर्ता। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला ऐसे ही नहीं दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यहाँ देश के अनेक हिस्सों से आए पशु इस मेले को दूसरे मेलों से अलग और भव्य बनाते हैं। एक और जहां पुष्कर मेले में मारवाड़ी किस्म की भूमिया इंस्टीट्यूट फॉर्म की 67 इंच की रुद्राणी और 63 इंच की मस्ती अपनी लंबाई और कदकाठी से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनूर किस्म की महज 27 इंच से 36 इंच की कम लंबाई की गाय भी लोगों को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेके आते थे, इस बार हम पुनूर नस्ल अपने भारतीय ब्रीड की सबसे छोटी नस्ल होती है कद की पुनूर गाय, वो लेकर आए, जो मैक्सिमम 36 इंची हाइट जाती है, कम से कम 27-28 इंची रहती है। इनकी हाइब्रिड जो लोग तैयार कर रहे हैं वो 24 इंची से छोटी भी रहती है, लेकिन हम प्योर पुंगनूर जो अपने भारतीय नस्ल है उसको बचाने वाले के संवर्धन के हिसाब से हम ब्रीडिंग कर रहे हैं इनकी, तो वो हम इस बार मेले में पहली बार ही आई है यहाँ पर, हम लेकर आए। आपका नाम मतलब? अभिनव तिवारी। आज टैक्सी यूनियन की ओर से पटेल स्टेडियम से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं होने से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि शहर में स्थायी स्टैंड नहीं होने के कारण टैक्सी चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साहब, ये जो ना सिटी परमिट गाड़ियां हैं, ये लोग है ना तारागढ़, सरवाड़ और डंपिंग यार्ड जा रहे हैं, इसके कारण जो हम लोग ऑल इंडिया परमिट गाड़ियां हमारे पास हैं जिनके हम टैक्स भरते हैं, प्रशासन को हम चुनाव के समय हम हर तरीके से मदद करते हैं, आज हमारा व्यापार पूरी तरीके से इससे बाधित हो गया है। अगर हम उन्हें प्यार से समझाने जाते हैं कि भैया आपका सिटी परमिट का काम है, आप सिटी परमिट चलो, हम तो अजयनगर से या स्टेशन से वैशाली छोड़ने सवारी जाती नहीं 50 रुपये में, हमारी तो ऑल इंडिया गाड़ियाँ चलती हैं, ये लोग उस पर दादागिरी करते हैं, कहते हैं कि हम तो चलेंगे जैसा चाहे वैसा कर लेना, तो आज एक बार बताओ कि हम लोग प्रशासन को
पूरी तरीके से साथ देते हैं। जब चुनाव होते हैं हमारी गाड़ियां पकड़ते हैं, पेमेंटों में हमारे को 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। मैं प्रशासन से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इन समस्याओं को, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी टैक्स देकर गाड़ियाँ खरीदी हैं, आप हमारी इन समस्याओं का हल निकालें। नहीं तो ये जो ड्राइवर भाई हैं, ये अगर किसी प्रकार का उग्र आंदोलन करते हैं तो प्रशासन इस तरीके का जवाबदार होगा। तारागढ़ पे थ्री व्हीलर ऑटो चलता है 8-8, 10-10 सवारी लेके, कोई जनहानी होती है तो शहर का नाम खराब होगा। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड चले जाते हैं, सरवाड़ चले जाते हैं, इसके लिए से प्रशासन को निवारण करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपका नाम? अनिल कोषाध्यक्ष, अजमेर जिला। की मांग को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं? आज जो कलेक्टर साहब को मांगे दे रहे हैं कि एक तो हमारे जो कि सरवार तारागढ़ पुष्कर जो टेम्पो चल रहे हैं उसके बारे में ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, और दूसरी बात है कि हमारे स्टैंडों की जो मांग है उसके बारे में दे रहे हैं। सिटी परमिट जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध बाहर चल रही है सिटी के अंदर से, उसके बारे में हम श्रीमान कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देने जाए। कितना की परेशानी नहीं आ रही आप लोगों को? परेशानी तो काफ़ी समय से आई, कम से कम 500 आदमी हमारे, उनके सबको यही दिक्कत आ रही है और बार बार ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है, हर जगह स्टैंड नहीं है, इस तरह स्टैंड के लिए हम सब ड्राइवर परेशान हो रहे हैं उनके चक्कर में। आपका नाम? मनोहर सिंह चेहरा। आज अजमेर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन माननीय मंत्री झाबर सिंह ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए निर्देश दिए। जन सुनवाई में दक्षिण विधायक अनिता बधेल भी उपस्थित रही और उन्होंने भी लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना। जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई, अधिकारियों को बुला लिया गया और अभी अधिकारियों के साथ बात करके जो जो शिकायतें वाजिब हैं उनका निस्तारण करने का निर्देश दे दिया जाएगा और जिन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं है उनके बारे में आगे बात करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर भी? उसके लिए भी मैंने DDR को बुलाया, DDR के यहाँ हमने एक कमेटी बना रखी है, बात कर लेते हैं क्या स्थिति है। सर, एक धारा 370 हटाने के लिए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा है, क्या धारा 370 वापस ले ली जाएगी, ऐसा कुछ शंका है? देखिए, बहुत साफ बात, जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है और मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसमें दो ध्रुव हमेशा रहे, एक सदाचारी और एक राक्षसी प्रवृत्ति। तो अब जिन लोगों को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं है, वो निश्चित रूप से चाहते तो ये हैं कि हम तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के घेरे में रहें और हमारे द्वारा उकसाए गए अलगाववादी आतंकवादी आम जनता की हत्या करते रहें। भारत सरकार इस बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है, सेना को खुली छूट दी हुई है और ये तो हमेशा से हुआ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दानवी शक्तियाँ प्रभावी हो रही हैं लेकिन अंतिम विजय सदाचारी शक्तियों के। शासन वापस लगेंगे, स्थिति हो जाएगी, जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो सारे कदम उठाए जाएंगे और अलगाववादी और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए भारत सरकार कर संकल्प। आज अजमेर के आजाद पार्क में छठ महापर्व का आयोजन महिलाओं द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस पावन अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने पारंपरिक पूजन विधि और लोकगीतों के बीच उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार तथा समाज की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई हुई महिलाओं ने भाग लिया जिससे आयोजन का माहौल और भी भव्य बन गया। देखिए, आज हमारे उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके और इस पूजा का समापन किया गया। सुबह 4 बजे से हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाती है आजाद पार्क घाट पे और ये जो कुंड में पानी दिख रहा है इसके अंदर कुंड के पानी के अंदर खड़े होकर के भगवान सूर्य देव का आने का इंतजार करती हैं और 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की जो तपस्या है उसके बाद सूर्य भगवान दर्शन देते हैं तो उनको दूध और जल से अर्घ्य दे करके और साथ में जो पकवान बने हुए होते हैं ऋतु फल जो भी होते हैं सीताफल सिंघाड़ा गन्ना और जो हमारे मेन पकवान है मुख्य पकवान जो होता है वो ठेकुआ, इन सब का प्रसाद भगवान को भोग लगा करके इस पूजा का समापन किया। क्या दुआ मांगी? दुआ देखिए, इस पूजा से मैं दुआ यही है, घर की खुशहाली और बच्चों की शांति और देश में भी शांति बनी रहे, सभी में आपस में भाईचारा बनी रहे और ये पुत्र दायिनी मानी जाती है इनको, तो कई महिलाएँ जिनके पुत्र नहीं होते तो खास करके इस व्रत को करते हैं।
कहाँ हो रहा है ये प्रोग्राम? आजाद पार्क में ये प्रोग्राम प्रवासी सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के बैनर के तले हो रहा है, जो कि हम लोग पिछले 10 साल से कराते आ रहे हैं। मैं राजीव गुप्ता, संस्था का अध्यक्ष। जी, क्या होती है? छठ पूजा होती है आजाद पार्क में। जी, किसे की जाती है? 4 दिन का त्यौहार होता है और छठ मैया सूरज देव का जल चढ़ाते हैं। क्या कहते 4 दिन? 4 दिन में एक दिन तोता नहीं खाई, उस दिन लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं हमारे, मतलब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। और दूसरे दिन होती है, मतलब दिन भर तो पूरा वो होता है खरना का उपास, और शाम को मीठी चावल और खीर बनती है और पूड़ी बनती है। उसके ना फास्ट करने वाले व्रत खोलते हैं उसी टाइम, और फिर दूसरे दिन होता है पहली अर्घ, जो डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, और फिर तीसरे चौथे दिन मतलब पूरा निस्तार हो जाता है, जो उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। जी, क्या कामना मांगी आपने, दुआएं मांगी आप? सब कामना बाल बच्चों के लिए मांगते, अपना घर परिवार अच्छा हो, बच्चे खुश रहे, जो भी बच्चे चाहे वो मिले उनको, और क्या मांग सकते बस। किसी का तांबे का एक लोटा है छोटा सा, ये हम आजाद पार्क में आए, ये हमारे बिहार का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, इसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये बहुत है ना, बहुत सफाई से की जाता है ये व्रत, और बहुत पावन व्रत है ये। किस तरह पूजा करती है आप? पूजा क्या क्या कर रही है आप, पूजा किस तरह करते हैं? पूजा है ना, हम 3 दिन का व्रत, पहला दिन नहा नहा खाई, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन सुबह उठते सूर्य उगते हुए का अर्घ दिया जाता है, और बहुत अच्छे से किया जाता है। क्या मनोकामना मांगी परिवार की और देश के लिए आपने? परिवार सब कुशल मंगल रहे, सबका कारोबार बना रहे, और सब खुश रहे, रोगी बीमारी सब दूर रहे। आपका नाम? मेरा नाम नेहा शर्मा। बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ये सूरज की उपासना यहाँ होती है, मेन सूरज की ही पूजा होती है, लेकिन एक मान लिया गया है कि छठी माँ है इनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेन पूजा सूरज की ही होती है। और ये 3 दिन का व्रत चलता है, एक दिन नहाए खाए होता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, रोटी रसिया खाया जाता है, और दूसरे दिन फिर निर्जला व्रत होता है, फिर आज तीसरे दिन ये व्रत करके खत्म कर दिया जाता है। क्या मनोभावना मांगी परिवार के देश के लिए? भगवान की दया से तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया, उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे पति भी दिए हैं, दो बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे दिए। अब बस मेरा घर संसार बसा रहे, दोनों सब सुख संपन्न रहे, मेरी गोद भरी रहे और सुहाग बना रहे, बस यही आशीर्वाद माना। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी आर्य। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।